नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेके आए हैं तमाम प्रकार की बड़ी खबरें, देश विदेश से जुड़ी तमाम ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यही एक क्रिएटर के लिए बड़ी देन होगी आपके द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं कि करके तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला। आपको हमारे साथ बने रहना है और बीच से वीडियो को नहीं छोड़ना है। पहली बड़ी खबर, जी हाँ, आपको बता दें कि 1 जनवरी से पुराने वाहनों के लिए फास्ट टैग होगा अनिवार्य। नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए सभी पुराने फोर व्हील के लिए फास्ट टैग को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने एम और एन कैटेगरी के पुराने वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 तक फास्ट टैग का होना जरूरी कर दिया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। यह नियम फॉर्म 51 बीमा का प्रमाण पत्र में संशोधन के जरिए बनाया गया है। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि ये फास्ट टैग क्या होता है। देश के सभी बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक जैसे कि SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक से फास्टैग ले सकते हैं। अमेजन या पेटीएम से भी फास्टैग खरीदे जा सकते हैं। बड़े पेट्रोल पंप पर भी फास्टैग खरीदने की सुविधा है। साथ ही NHAI की ओर से फास्टैग की फ्री सुविधा के लिए भी सभी टोल प्लाजा पर बिक्री केंद्र लगाए गए हैं, जिसमें कि आप लोगों को बताया गया। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको पता चलेगा कि फास्टैग क्या होता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साथ ही साथ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि भारत में हो सकती है पबजी की वापसी। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के साथ करेगी होस्ट। केंद्र सरकार ने साइबर सिक्योरिटी और देश संप्रभुता पर खतरे के चलते इस गेम पर बैन लगा दिया था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले पबजी पर बैन लगाया गया था, जिससे जो पबजी के दीवाने थे वो उनके लिए काफी निराशाजनक हो गया था पबजी का बैन होना। लेकिन अब पबजी खेलने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। पॉपुलर मोबाइल गेम पबजी बहुत जल्द भारत में वापसी कर सकता है। पबजी मोबाइल भारत में वापसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ बातचीत कर रहा है। पबजी मोबाइल अब माइक्रोसॉफ्ट के अजूर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होगा। इसकी पेरेंट कंपनी ने यह जानकारी दी है। तो देखिए ना, काफी अच्छी खबर है पबजी खेलने वालों के लिए। साथ ही साथ आपके लिए एकदम ताजा खबर आ रही है अगला अपडेट की। रेल ट्रेन टिकट की बुकिंग को लेकर IRCTC का नया नियम, अब ट्रेन शुरू होने के 5 मिनट पहले भी मिलेंगी सीटें। अगर आप इस दिवाली या छठ पूजा पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने टिकट बुकिंग के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं और इस नियम के मुताबिक अब ट्रेन शुरू होने के 5 मिनट पहले भी सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। जी हाँ, इंडियन रेलवे ट्रेन के रवाना होने के आधे घंटे पहले दूसरा चार्ट बनाएगा ताकि आखिरी समय में सीटें खाली होने पर कुछ लोगों की सीटों का आवंटन हो सके और वो अपनी यात्रा कर सके। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से दूसरा चार्ट 2 घंटे पहले तैयार हो रहा था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया नियम यात्रीगण के लिए आ गया है। साथ ही साथ आपके लिए अगला अपडेट, साथ ही साथ आपको बता दें कि अमेरिका से अगला अपडेट, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले क्या करेंगे बाइडेन। जीत से पहले ही दे दिए हैं संकेत। आपको पता तो होगा ही कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर पूरी दुनिया में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। खुद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट जो बाइडेन की धड़कने भी तेज हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि जो बाइडेन क्या कह रहे हैं, जीत की तरफ जाते तो बाइडेन ने आज की रिपोर्ट में कहा कि वह सबसे पहले अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने की योजना पर काम करेंगे। आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कुछ कड़े प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में या तो फिर से शहरों को लॉक किया जा सकता है या फिर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं। इस प्रकार से जो बाइडेन ने बयान दिए अपनी जीत की खुशी को लेकर के। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, अर्णब गोस्वामी को नहीं मिली फिलहाल कोई राहत, हाईकोर्ट ने कही है ये बात।
रिपब्लिकन टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को शनिवार को भी बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिल पाई। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है और कहा है कि शाम के 6 बज गए हैं, ऐसे में हम आज ऑर्डर पास नहीं कर सकते। दिवाली की छुट्टियों के बावजूद कोर्ट 4 दिन के भीतर आदेश जारी करने की कोशिश करेगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बीच अर्णब चाहे तो जमानत के लिए सेंसर्स कोर्ट में अपील कर सकते हैं। न्यायमूर्ति एस एस सिंधे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि वे जल्द ही आदेश पारित करेगी, हालांकि उन्होंने कोई तारीख नहीं दी है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भड़के संजय राउत, बोले पाकिस्तान जाकर आर्टिकल 370 लागू कराएं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली पर बयान देने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला शिवसेना के निशाने पर संजय राउत ने अब्दुल्ला पर तंज कसकर कहा कि अगर वह चाहते तो पाकिस्तान जाकर आर्टिकल 370 लागू कर सकते हैं। इससे पहले भी संजय राउत फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के आर्टिकल 370 को लेकर बयानों पर नाराजगी जता चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली पर बयान देने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला शिवसेना के निशाने पर है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अब्दुल्ला पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वह चाहते हैं तो पाकिस्तान जाकर आर्टिकल 370 लागू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में यह मुमकिन नहीं है। संजय राउत ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, अगर फारूक अब्दुल्ला चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर के फोन पे ने दिया बड़ा बयान, नहीं होगा ट्रांजेक्शन फेल। डिजिटल पेमेंट रेगुलेटर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई पेमेंट को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी और इन गाइडलाइंस के अनुसार अब थर्ड पार्टी पेमेंट एप्स यूपीआई फ्रेमवर्क के कुल ट्रांजेक्शन के 30% से अधिक वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन के आधार पर 30% कैम्प की गणना की जाएगी। जनवरी से लागू होने वाली इस नई गाइडलाइन का असर फोन पे के अलावा गूगल पे, पेटीएम और मोबीक्विक के साथ ही व्हाट्सएप पे भी देखने को मिलेगा और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। साथ ही एनपीसीआई का मानना है कि यह यूपीआई इकोसिस्टम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अच्छा, इसी के साथ आपसे एक सवाल है, जेकेएन सर्वे है कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कौन सा ऐप यूज करते हैं आपके ट्रांजेक्शन के लिए, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। इससे क्या होगा, सर्वे में आपका भी सहयोग हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन सा ऐप ट्रांजेक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोरोना से जीती जंग ट्वीट कर बताई ये बात। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को खुद के कोविड 19 संक्रमण से ठीक होने की जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को कोरोना हो गया था और कोरोना से ठीक होने के बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बताई ये बात कि आई हैव टेस्टेड कोविड 19 नेगेटिव, विल बी बैक इन ऑफिस नेक्स्ट वीक, थैंक यू एवरीवन फॉर योर गुड विशेस फॉर माय ईयरली रिकवरी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर को इनको कोरोना हुआ था, जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने पिछले समाचारों में बताया था। तो अब तो ये ठीक हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना ने दी नई सीख, ग्लोबलाइजेशन के साथ आत्मनिर्भरता भी है जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में बोल रहे हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम समाप्त होने वाले युवा वैज्ञानिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन आईआईटी दिल्ली और तकनीकी की दुनिया में अहम है। आज के दिन ही महान वैज्ञानिक सीवी रमण का भी जन्म हुआ था। 5 दशक से ज्यादा समय में आईआईटी दिल्ली ने कई अहम पड़ाव तय किए हैं। इस प्रकार से मोदी जी ने कोरोना संकट पर कई सारी टिप्पणियां दी और बहुत कुछ बताया। बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर, सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 4.3 करोड़ फर्जी राशन कार्ड किए गए रद्द। गरीबों और जरूरतमंदों को किफायती दाम पर अनाज मिल सके, इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चलाई जा रही है, मगर हाल ही में इसमें बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। राशन कार्डों के डिजिटलीकरण अभियान के दौरान फर्जी पाए गए 4.3 करोड़ राशन कार्डों को सरकार ने रद्द कर दिया। सरकार की ओर से इस कदम को उठाने का मकसद योग्य लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला अनाज मुहैया कराना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शी बनाने और दक्षता में सुधार लाने के लिए राशन कार्डों के डिजिटलीकरण अभियान पर फोकस किया जा रहा है। इससे योग्य लोगों को अनाज मिल सके।
खाद्य मंत्रालय के अनुसार साल 2013 से पहले बड़ी संख्या में फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड मौजूद थे, लेकिन व्यवस्था में सुधार के बाद फर्जीवाड़े में कमी आई और अभी सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर नकली राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सितंबर के मुकाबले अक्टूबर 2020 में ही रोजगार में 60% गिरावट आई, अखिलेश यादव का बयान। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी दिव्य शक्ति से हकीकत को फसाना बना देना खूब आता है। प्रदेश में रोजगार संकट है, नौजवान परेशान है, मुख्यमंत्री जी झूठे आंकड़ों से लोगों को भ्रमित करते हैं। वास्तव में प्रदेश में मनरेगा, माटी कला सहित जिन जिन योजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित करने की लंबी चौड़ी डींगे हाकी जा रही है, वे सब स्वयं संकट ग्रस्त है। इनसे संबंधित 2 जून रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। खुद सरकारी वोकेशनल करियर सर्विस पोर्टल बताता है कि सितंबर के मुकाबले अक्टूबर 2020 में ही रोजगार में 60% गिरावट देखने को मिली है। इस प्रकार से अखिलेश यादव ने बयान दिया। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, लखनऊ देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर, डीएम ने रोक दिया इनका वेतन, होगी बड़ी कार्रवाई। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की हवा दिन पर दिन और प्रदूषित होती जा रही है, इससे राजधानी लखनऊ देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बनाएगा। पहले तो केवल कागजों पर प्रदूषण की गंभीरता देखने को मिल रही थी, लेकिन अब सार्वजनिक रूप से आंख और नाक से इसे महसूस भी किया जा सकता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के AQI बुलेटिन के अनुसार लखनऊ का AQI लेवल 349 से बढ़कर 447 तक पहुंच गया है, जो चिंता का विषय है। और इस पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी की लापरवाही पर प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है और उसका वेतन भी रोक दिया गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, स्लाइड पर आपको दिख रहा होगा कितना प्रदूषण दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन भुगतान के लिए दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने COVID-19 के प्रति निरंतर सतर्कता बरतने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि COVID-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी प्रयास जारी रखे जाएं और उन्होंने कम रिकवरी दर वाले जनपदों में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर COVID-19 के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुबह कोविड अस्पताल में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठक नियमित रूप से आहूत जाए और इस बैठक में COVID-19 के नियंत्रण के लिए संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आगे की रणनीति भी तय की जाए। रोजाना जमा करें 58 रुपए, एक मुफ्त मिलेंगे 13 लाख, LIC की इस पॉलिसी में है और भी कई बड़े फायदे। जी आपको बता दें कि LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी में बहुत सारी खूबियां हैं और इस पॉलिसी के तहत कम पैसे में जहां अधिक रिस्क कवर मिलता है, वहीं मैच्योरिटी अमाउंट भी अधिक होता है। अच्छा, आगे आपको बताएंगे पेट में एसिड और बदहजमी को दूर करने के अचूक उपाय, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप पहले से वीडियो को देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहां तक देखने के लिए। चलिए आपको बता देते हैं, बदहजमी या अपच एक पाचन से जुड़ी समस्या है और यह पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाली बेचैनी है। पेट में जो एसिड बनता है वह जब पाचन तंत्र की सुरक्षात्मक सतह को नुकसान पहुंचाता है तब पेट में जलन और सूजन होती है, जो अत्यंत कष्टदायी होती है। तो आपको बता दें, जहां तक हो सके भोजन कम खाएं ताकि आपके पेट को उस भोजन को पचाने में ज्यादा मुश्किल ना हो जो पहले से ही है। कैफीन युक्त खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से बचें या कम मात्रा में भोजन करें। अनानास की फांक पर थोड़ा नमक और काली मिर्च का पाउडर। तो ये थे आज के मुख्य समाचार जो हम आपके लिए डेली सेट नमक और किसी काली मिर्च लगाकर गर्म राख पर भून ले और इसे गर्म क्रीम चूप से लिया भी फायदा करेगा, या पाचन रस बनाता है और जिससे अपच की समस्या में तत्काल राहत मिलती है, या लीवर की कार्यप्रणाली को भी ठीक रखता है। वही अगला उपाय अगर आपको बताएं तो 2 बड़ी चम्मच मोटी सौंफ को आधा लीटर पानी में उबाले और थोड़ी थोड़ी देर में गुनगुना ही पिए। 1 चम्मच पिसी हुई अजवाइन और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर भी सुबह खाली पेट पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। इसी के साथ बस इतना ही, आप देख रहे थे जेके न्यूज हैंडडम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।